हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बारे में कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए। तो आपको किस तरह से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट आए तो आपको इस वेबसाइट के थ्रू सबसे पहले पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है, जैसे कि फायरफॉक्स, मोज़िला या फिर इंज। देन आपको उसमें टाइप करना है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी 2023 आईएएस पेपर। आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, यहाँ से आपको गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड आपको सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। देन यहाँ पे दिया गया है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 CUET एप्लीकेशन स्टार्टेड डेट्स एलिजिबिलिटी पैटर्न एंड सिलेबस। देन यहाँ पे सर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुका है अलग अलग कोर्सेज़ के लिए एंड 1983 में इस्टेब्लिश हुआ था। देन आपके सामने एक फॉर्म आएगा जिसमें आपको अपना फुल नेम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, करंट स्टेट, करंट सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हर्ज क्वालिफिकेशन, देन आपको गेट फी काउंसलिंग में क्लिक करना होगा। इससे क्या होगा, आपके ईमेल आईडी एंड आपके कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आपको इस यूनिवर्सिटी से सभी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। देन यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि सो जो एप्लीकेशन फॉर्म में स्टार्ट हो चुका है, क्लिक करो चेक द एप्लीकेशन डिटेल्स। आप क्लिक करेंगे देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे जो है एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में दिया गया है। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे जो है आप यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। देन यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड करनी है एंड प्रोसेस दिया गया है यहाँ पर एंड एप्लीकेशन फीस दी गई हैं अलग अलग कैटेगरीज के लिए। देन यहाँ पे आपको आई हैव डाउनलोडेड पे आप क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसेस पे आप क्लिक करेंगे। देन आप जो है न्यू टैब में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, पेरेंट्स डिटेल्स एंड अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देनी होती हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ऐसे कि आपको अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम, गार्जियन नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, वैलिड आइडेंटिफिकेशन नंबर, देन यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, इसमें आपको अपना हाउस नंबर, सब लोकेलिटी, लोकेलिटी, कंट्री, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो है फिल करनी होती हैं। देन यहाँ पे पासवर्ड दिया गया है 8 कैरेक्टर्स का, आपको खुद से पासवर्ड क्रिएट करना होता है, देन कन्फर्म करना होता है। एंड देन यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन दिया गया, वो कुछ कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पे सिक्योरिटी आंसर डालना है, देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालनी है एंड देन सबमिट करना। देन उसके बाद आपको जो है अपनी एप्लीकेशन फ़ीस देनी होती है। आप अपना